नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आई ओपनर के अगले एपिसोड में। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अभी तक के एपिसोड्स को आपने इतना प्यार दिया, आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू सो मच। हमें आज बहुत खुशी है, हमारे आई ओपनर सीरीज में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ आज हम चर्चा करेंगे। प्रोफेसर दिलीप मंडल आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगले एक घंटे हम प्रोफेसर मंडल से काफी सारे महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करके उनका रुख जानने की कोशिश करेंगे। आप मंडल साहब का परिचय स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत लंबे समय तक मीडिया क्षेत्र से आप जुड़े रहे हैं और आपने अलग अलग बड़े बड़े मीडिया ग्रुप्स को अपनी सेवाएं दी हैं और कुछ किताबें वगैरह भी लिखी हैं। आपने अपना जर्नलिज्म दैनिक जागरण के दिल्ली अंक से शुरू किया था, दिल्ली एडिशन से शुरू किया था, उसके बाद अब जनसत्ता के कोलकाता एडिशन के साथ जुड़े रहे, इंडिया टुडे, दैनिक अमर उजाला, इंटरप्रेस सर्विस, सभी को आपने सेवाएं दी, एडिटिंग, इलेक्शन कवरेज, पार्लियामेंट कवरेज और काफी अलग अलग पदों पर आप टेलीविजन न्यूज इंडस्ट्री के साथ भी आज तक जी न्यूज और स्टार न्यूज में जुड़े रहे हैं। आप एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर सीएनबीसी आवाज के भी रहे हैं लंबे समय तक। अलग अलग किताबें आपने लिखी हैं जिसमें आपने समाज के बदलते हुए ट्रेंड्स को पकड़ा है और ट्विटर पर आपकी एक काफी पावरफुल प्रोफाइल भी है जिस पर आप सामाजिक मुद्दों को लगातार उठाते रहते हैं, तो सभी लोग इनके साथ ट्विटर पे अवश्य जुड़िएगा। आपकी कुछ बड़ी प्यारी किताबें भी हैं जिनमें से एक किताब लेकर मैं हाजिर हूं जिसमें से काफी सारे सवाल मेरे जहन में हैं जो मैं आज प्रोफेसर मंडल से पूछूंगा। हम उनको आसानी से छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इससे पहले कि अब हम आगे बढ़ें, सबसे पहले मैंने आपको परिचय पूरा दे दिया, समय आ गया है स्वागत करने का हमारे विशेष अतिथि प्रोफेसर दिलीप मंडल का। नमस्कार प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते संदीप जी, आपके आपको और आपके तमाम दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मंडल जी एक बात बताइए, ट्विटर पर अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपके बड़े छोटे छोटे युद्ध चलते रहते हैं और कई बार ऐसा लगता है कि आप ट्वीट करके बड़ा आनंद ले रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और आप शांति से उन प्रतिक्रियाओं को देखते रहते हैं, समझते रहते हैं। अब मैं भी आपके साथ ट्विटर पर जुड़ा हूं, लाखों लोग जुड़े हुए हैं, आप एक इन्फ्लुएंसर है, तो हमें आप बताएंगे कि ट्विटर का आपका अनुभव अभी तक कैसा रहा, उससे आप किस प्रकार का सामाजिक संदेश देते हैं और क्या वो एक अच्छा मीडियम है, बुरा मीडियम है। शुरुआत इस बहुत सरल और मजेदार सवाल से ही करेंगे। मंडल साहब, शुक्रिया सर। एक्चुअली देखिए, सोशल मीडिया की जो दुनिया है ये बहुत पुरानी नहीं है, कुल मिलाकर पूरा किस्सा 15-1 साल का है और इधर जो उसका जो ट्रैक्शन बढ़ा है ये तो समझिए कि 6-7 साल में बढ़ा है। हालांकि 2014 के इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन उस समय के अगर आप ट्वीट्स देखेंगे उनके तो उसमें किसी में 70, किसी में 80 लाइक्स और कभी 20 रिट्वीट्स। तो आप समझ लीजिए कि 2014 का ट्विटर और फेसबुक क्या था और अब ये कितना बड़ा हो चुका है। तो एक चीज तो इसमें बहुत स्पष्ट है सर कि ये जो सोशल मीडिया है ये दो तरफ से काम कर रहा है। हम एक्चुअली सोशल मीडिया को गढ़ भी रहे हैं और सोशल मीडिया भी हमें गढ़ रहा है, हमें हमारे विचार प्रक्रिया को, हमारे सोचने के तरीके को और हमारे सोचने के दायरे को बढ़ा और घटा रहा है। और इसका देश, समाज, राजनीति, खाने पीने के तरीके, कपड़े पहनने के तरीके, हमारे बिहेवियर पर, हमारे संबंधों पर, हमारे प्रेम प्रसंगों पर बहुत तरह से ये इम्पैक्ट कर रहा है। और हम एक्चुअली इसमें जो भी कंटेंट देते हैं लगातार तो हम भी इसको बना और बदल रहे हैं। इस वजह से आप देखेंगे कि हर देश का जो सोशल मीडिया है वहाँ के यूजर्स के हिसाब से वो अलग अलग तरीके से काम करता है। कहीं कहीं सोशल मीडिया जो है वो आइसक्रीम की फोटो डालना, अपने प्रेमिका के साथ कहीं गए उसकी फोटो डालना, ये उसका प्राइम स्पेस है। वहीं पर आप कुछ जगह देखेंगे बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हो रही है, वहीं म्यांमार जैसे देशों में दंगे फैलाने में इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जिसमें कि सोशल मीडिया काम करता है। और इसको मैंने जिस तरह से देखा है, इसको मैंने मुख्य रूप से दो तरीके से देख रहा हूँ, क्योंकि भारत में जो मीडिया रहा है ये बाकी ग्लोबल भी यही रहा है कि बड़े घरानों के हाथ में होता है, क्योंकि उसमें पूंजी की बहुत जरूरत पड़ती है। एक चैनल, क्योंकि मैं कई सारे चैनल के संस्थापक टीमों में रहा हूँ तो मेरा अंदाजा है उस समय के फिगर सब बढ़ चुके होंगे, लेकिन 250-300 करोड़ रुपए से कम में एक नेशनल चैनल लॉन्च नहीं हो सकता है।
और शुरुआत के वर्षों में 80 से 100 करोड़ का अगर वो लॉस उठा सकता है तो 3 या 4 साल में जाकर वो वायबल हो सकता है। और ये भी अक्सर नहीं हो पाता क्योंकि टॉप 3-4 चैनलों के बाद विज्ञापन कम हो जाता है, विज्ञापन का रेट कम हो जाता है। तो इतने बड़े पूंजी का या जो प्रिंटिंग प्रेस है उसका भी जो खर्च है और उसका स्टाफ का खर्च बहुत ज्यादा है, तो सोशल मीडिया ने कन्वर्सेशन को डेमोक्रेटाइज किया। एक बच्चा या एक काचा बादाम खाने वाला मिलियंस ऑफ व्यूअर्स ले सकता है और अपनी बात वो लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है। थियोरेटिकली इस समय कोई आदमी अगर उसके पास एक स्मार्टफोन है या डाटा है या वो साइबर कैफे में जाकर इस्तेमाल करना चाहता है तो तो अपने कंटेंट को वो एटलीस्ट थियोरेटिकली लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है। तो ये इसने डेमोक्रेटाइज किया है जी। लेकिन इसमें बड़ी समस्या ये आई है कि सोशल मीडिया का अपना एक करैक्टर ये है कि वो आपको अपने जैसे लोगों से जोड़ता है। इसको आप इस तरह समझिए कि दुनिया के हर देश में सोशल मीडिया है, हमको अपने टाइमलाइन पर इंडिया के लोग ज्यादा क्यों दिखते हैं? वो इसलिए दिखते हैं क्योंकि हम उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं। सोशल मीडिया हमारे दोस्तों को पहचानता है, उसका एल्गोरिथम इसी तरह का है। तो चूंकि वो दोस्तों को पहचानता है तो अगर हमारी विचारधारा किसी खास तरह की है तो हमको उसी तरह के लोगों से मिलाता है वो। क्योंकि जैसे ही आप फ्रेंड लिस्ट बना अकाउंट ओपन करके पहला फ्रेंड बनाते हैं वो उस फ्रेंड के फ्रेंड को आपके पास ऑप्शन के तौर पर दिखाता है और आपके ट्वीट या फेसबुक पोस्ट उन लोगों तक पहुंचते हैं। तो वो कह रहा है कि सोशल मीडिया आपको एक दायरे में और घेटों में डाल दे रहा है, इसलिए आपको लग सकता है कि आप जैसा सोच रहे हैं वही दुनिया का सच है और आप सही सोच रहे हैं। आपकी धारणाओं को पुष्ट करने की जगह है सोशल मीडिया। ये विमर्श का ऐसा एक मंच नहीं है जहां पर विचार आपस में टकराते हो। ज्यादातर अगर आप सेकुलर स्पेस के हैं तो सेकुलर विचारों को ज्यादा पढ़ रहे हैं और कम्युनल अगर विचार के हैं तो कम्युनल लोगों को ज्यादा पढ़ रहे हैं। अगर आप कास्ट डिस्कोर्स के आदमी हैं तो कास्ट डिस्कोर्स को ज्यादा पढ़ रहे हैं। और अगर आप एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं और उसके बारे में लिखते हैं तो एस्ट्रोफिजिक्स से जुड़ी हुई चीजें आपके पास ज्यादा पहुंच रही हैं। अगर आप सिविल सर्विस के एस्पिरेंट हैं तो उनको अगर आप ज्यादा देखते हैं, वही आपके फ्रेंड सर्कल में है तो उनसे जुड़ी हुई चीजें ज्यादा आती है, तो ये आपको घेटोइज भी कर रहा है। तो ये दो मुख्य प्रवृत्तियां हैं सोशल मीडिया की जो मुझे समझ आई। डेमोक्रेटाइज किया, घेटो में डाला, बहुत बढ़िया। साथ साथ आपकी किताब मैंने पढ़ी और इसमें बहुत से सवाल मेरे मन में आए। अनसोशल नेटवर्क जो आपने गीता यादव के साथ लिखी है, मैं सभी व्यूवर्स को भी बोलूंगा किताब जरूर पढ़ें। इसमें पेज नंबर 134 पर आप चैप्टर नंबर 14 में कहते हैं, सोशल मीडिया भूलने नहीं देगा। मैं यहां आपको याद दिलाऊं कि यूरोप में राइट टू बी फॉरगॉटन जैसा कानून आ चुका है कि अगर कोई यूरोप का नागरिक गूगल को बोलता है कि भाई मेरी ये पुरानी खबर हो गई जिसका आज कोई औचित्य नहीं, हटाओ, तो वो सर्वर से कानूनी रूप से हटा दिया जाएगा। तो अगर आपका चैप्टर 14 कहता है कि सोशल मीडिया भूलने नहीं देगा, तो क्या समय के साथ ये भी बदलेगा? भूलना पॉसिबल हो जाएगा? लोगों की न्यूज हटवाई जा सकेगी? सर, ये मुझे लगता है कि जो व्यक्ति का या हमारे समाज का विकास हुआ है उसमें भूलना एक बहुत जरूरी चीज है। उसका बहुत ज्यादा महत्व है कि हम भूल जाए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका कैसे इसका महत्व है, एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि जैसे इटली, नॉर्थ इटली और साउथ इटली का एकीकरण हुआ। अब ये प्रक्रिया बहुत ही तकलीफदेह थी, बहुत ही वायलेंट थी, इसमें काफी लोग मारे गए, काफी महिलाओं का रेप हुआ। नॉर्थ इटली ने साउथ इटली और सार्डिनिया और ये सारे द्वीपों को कंट्रोल करके उन्होंने एक देश बनाया। अब अगर साउथ इटली के लोग हमेशा इस बात को याद रखें कि नॉर्थ इटली के लोगों ने हमें गुलाम बनाया, साथ में जोड़ने के लिए, जो भी करने के लिए हमारी महिलाओं का बलात्कार किया और हमको, हमारे पूर्वजों को मारा, और नॉर्थ इटली वाले अगर हमेशा इस बात को याद रखें कि साउथ इटली पर हमने कब्जा किया, हम ज्यादा उनसे सुपीरियर हैं, तो ये मेमोरी देखिए उस नेशन के खिलाफ है, उस नेशन के नेशनल प्रोजेक्ट के खिलाफ है। इसी तरह से अगर भारत के लोग हमेशा इस बात को याद रखें कि किस तरह आजादी के समय में मुसलमानों के साथ हमारे लोग पुरखे कॉन्फ्रंटेशन में गए, काफी लोग मरे और इसलिए मुसलमान हमारे परमानेंट दुश्मन है, या मुसलमान भी इस बात को याद रखें कि इनकी वजह से हमारे काफी पुरखों को बाहर से जाना पड़ा, तो कोई भी दुनिया का राष्ट्र स्मृति को, याद को इतना परमानेंट बनाकर नहीं चल सकता है। उस तरह से तो फिर याद रखने की तो क्या सीमा क्या है?
कोई इस बात को भी याद रख सकता है जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी को मानता है कि आर्य आए थे और उन्होंने हमें गुलाम बनाया, या आर्य इस बात को याद रख सकते हैं कि हमने द्रविड़ियों द्रविड़ लोगों के ऊपर कब्जा किया। तो मेमोरी की कोई सीमा नहीं है, कहीं ना कहीं आपको भुलाना पड़ता है क्योंकि मेमोरी जो है वो नेशन की दुश्मन है, राष्ट्रीय एकता की दुश्मन है, निजी संबंधों का दुश्मन है। आपके साथ मेरा एक कोई झगड़ा हुआ या कुछ हुआ है, कभी ऐसा हुआ कि आपको मैंने कहा कि आप मेरे साथ आइए और बैठिए और मेरी मदद कीजिए, आपने कभी मेरी मदद नहीं की, इसको मैं अगले 20 साल तक अगर याद रखूं तो हमारी आपकी अगली दोस्ती नहीं बन सकती है। करेक्ट। तो संबंधों परिवारों में प्रॉपर्टी के झगड़े होते हैं भाई भाई में, अब वो उसको अगर परमानेंट मान ले तो किस तरह से परिवारों के अंदर झगड़े परमानेंट हो जाएंगे। किसी पत्नी पति के रिश्ते में कोई खटास आई, इसको वो अगर हमेशा याद रखेंगे तो मेमोरी को जाना चाहिए। पहला समझ गया। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है सर आपसे, माफी चाहूंगा बीच में बोल रहा हूं लेकिन जरूरी है इसलिए, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि गौरवशाली इतिहास को हम याद न करें और केवल वर्तमान और भविष्य पे फोकस करें? नहीं, मेरा इसमें कहने का मतलब ये है कि किसी भी राष्ट्र में, राष्ट्र की बुनियादी अनुस्प्रेरण के डेफिनेशन जो है पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर जो बहुत स्थापित परिभाषा, दो तीन जो राष्ट्र के उसमें सबसे लोकप्रिय परिभाषा है, पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी इसको जानते होंगे, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्र जो है वो न नस्ल राष्ट्र बना सकता है, न धर्म राष्ट्र बना सकता है, न भाषा राष्ट्र बना सकती है। एक भाषा बोलने वाले ब्रिटिश इंग्लिश बोलने वाले लोगों ने 40 देश बना लिया है, एक धर्म मानने वाले इस्लाम के लोगों ने 50 देश बना लिए हैं, न यूरोपियन कॉकेशियन नस्ल के लोग 40 देशों में रह रहे हैं, तो ये सब चीजें नेशन नहीं बना सकते। नेशन बनाने का मतलब है हम सारे लोगों ने जो इस भौगोलिक सीमा के अंदर रह रहे हैं वो ये मान रहे हैं कि हमने पीछे कुछ अच्छा किया था उसको याद रखें और आगे कुछ अच्छा करना है, साथ मिलकर करना है। ये जो फीलिंग है, ये जो फिलोसॉफिकल आइडिया है, ये आपको मतलब एक तरह से डेली रेफरेंडम है। मैं हर दिन अपने को कहता हूँ कि मैं इस देश का नागरिक हूँ, इस देश के सारे नागरिक हमारे साथ को ट्रेवलर हैं और हमको मिलकर कुछ अच्छा करना है। तो ये जो फीलिंग है ये नेशन बनाती है। इसमें जैसे वो आर्मस्ट्रेनन कहते हैं कि देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप साथ में खुश हों, साथ में दुखी हों और साथ में सपने देखें, ये तीन शर्तें हम बताते हैं। और इसमें बताते हैं सबसे इम्पोर्टेंट है कि साथ में आप दुखी हों, कि आपके अपने धर्म या अपनी जाति के बाहर के या अपने प्रदेश के बाहर के किसी व्यक्ति को जब तकलीफ हो रही है, वहां कोई कलामिटी आई, कोई तकलीफ हुई उनको, वो किसी वजह से वो मारे गए, वहां पर कोई आपदा आई, इसमें आपको दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये डिसाइड करता है कि आप उस व्यक्ति को और वो व्यक्ति आपको एक राष्ट्र का नागरिक के तौर पर देख रहा है कि नहीं देख रहा है। जी, साथ जी, रोना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप साथ अगर नहीं रो सकते हैं तो नेशन नहीं बना सकते। इसका मतलब मेमोरीज को भूल जाने का मतलब ये है कि एटलीस्ट जो अनकन्वीनियंट मेमोरीज है एकेडमिक पर्पज के लिए उसको रखिए, लेकिन हर दिन उसका बोझ अपने दिल पर और कंधे पर मत रखिए कि उनके पुरखों ने हमें मारा था और वो भाई जो था उसने मेरी प्रॉपर्टी को लेकर उस समय झगड़ा किया था तो मैं जिंदगी भर का दुश्मन हो गया। ये न परिवार बनता है न राष्ट्र बनता है। सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपका जो बुनियादी सवाल था, अगर आप इजाजत दें जी, तो मैं ये कहूंगा सोशल मीडिया ने एक्चुअली भूलने को थोड़ा मुश्किल बना दिया है। जैसे अभी मैंने एक पत्रकार के कुछ पुराने ट्वीट्स निकाले, हम सोशल मीडिया पर अपने फुटप्रिंट और फिंगरप्रिंट लगातार छोड़ रहे हैं। तो हम जब भी कुछ कर रहे हैं बहुत सतर्क रहना चाहिए कि आज से 20-25 साल बाद भी इसको देखा जा सकता है। टेक्निकली वो कहीं इरेज नहीं होता है, वो किसी न किसी सर्वर में, किसी न किसी फॉर्म में, किसी ने स्क्रीनशॉट ले लिया, किसी ने अपनी मेमोरी में रख लिया, किसी ने उसको पोस्ट कर दिया, तो आप डिलीट भी कर देंगे तो वो एग्जिस्ट कर रहा है। आपने 2 सेकंड के लिए अगर कुछ बोला या डाला कहीं पर सोशल मीडिया में तो आप मानकर चलिए कि वो एक कलेक्टिव परमानेंट मेमोरी में जा सकता है। इसलिए कहा जाता है विद्यार्थियों को खास करके कि सोशल मीडिया पर बहुत सतर्क रहें, क्योंकि आपके जो इम्प्लॉयर हैं इस बात की बहुत संभावना है कि आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल को देखें। और अब देख रही है सारी कंपनियां रिक्रूट करने से पहले किसी व्यक्ति के सोशल मीडिया प्रोफाइल को देखती है, उसके पॉलिटिकल बिहेवियर, उसके मेंटल स्टेबल होने को लेकर, उसके गुस्से का अंदाजा लगाती है, उसके गाली देता है कि नहीं देता है, महिलाओं के साथ वो व्यवहार नहीं करता है कि ऑफिस आपको ऑफिस में आप डिस्कम्फर्ट पैदा करें। तो इसलिए लोगों कहा जाता है बहुत समर्थन स्टूडेंट्स को जी, और जी, ये सलाह भी दी जाती है कि आप पिछला सोशल प्रोफाइल हो सके तो डिलीट कर दें अगर आप
एक नए सेटिंग में, एक नए एनवायरनमेंट में जा रहे हैं। आज तो बहुत सारे कंपनियों के मालिक और बड़े अधिकारी ही इस तरह के ट्वीट करने लग गए हैं कि शायद अगर आप शराफत वाले ट्वीट करें तो आपको कभी वहां नौकरी नहीं मिले। ये मैंने थोड़ा लाइट हार्टेड बोला, लेकिन हकीकत क्या है आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। आपने काफी गंभीर बात ये बोली कि भाई किस तरह से मीडिया हमको गढ़ रहा है और हम सोशल मीडिया को गढ़ रहे हैं। मैं आपको अब यहां से, क्योंकि मैं आपको काफी समय से देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, समझ रहा हूं, सोशल जस्टिस और भारत की कास्ट सिस्टम और भारत की न्याय व्यवस्था, सामाजिक न्याय व्यवस्था पर आपके विचार बड़े स्पष्ट हैं। मैं थोड़ा उस तरफ आपको लेकर जाना चाहूंगा। कंटेम्प्रेरी सोशल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पे मैं कुछ बात आपसे करना चाहता हूं। 1947 से 50 के बीच जब हमारा संविधान बना, एक तरह से हमने इतिहास से ब्रेक लिया और एक जो व्यवस्था चलती चली आ रही थी, जो अनेक रूपों में आज भी चलती चली जा रही है, उसमें हमने कानूनी रूप से बदलाव किया। अम्बेडकर ने कहा कि भाई पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, सोशल कब आएगी पता नहीं, जो भी है। संविधान लागू हो गया, सबको अधिकार मिल गए, सैद्धांतिक रूप से सब बराबर हो गए। मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है, 26 जनवरी 1950 से लेकर आज 2020s के इस पूरे डेकेड तक भारत में सामाजिक तौर पर क्या क्या बदला, क्या क्या वही है और क्या क्या पहले से बिगड़ गया? देखिए, मुझे लगता है कि वक्त आगे बढ़ा है और वक्त पॉलिटिकल रूप से बहुत लोगों को ये बात डिस्कम्फर्ट दे सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग एक राष्ट्र के तौर पर आज से 75 साल पहले के मुकाबले आज की तारीख में हम आगे बढ़े हैं जनरली। देखिए, मैं इसको इस तरह से बता रहा हूँ कि, और ये यात्राएं लगभग सारे देशों ने तय की हैं, टेक्नोलॉजी नहीं आई है, आपको मार्केट फोर्सेस ने अपने ढंग से चीज़ों को स्प्रेड किया है, स्टेट ने भी अपना काम किया है, अफर्मेटिव एक्शन और सोशल जस्टिस का भी कुछ प्रोजेक्ट चला है। इसकी वजह से भारत का जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक ढांचा 1947 में था वो बहुत कमजोर था, टूटा फूटा था और बहुत ज्यादा, एक तरह से आप समझिए कि बड़ी जो आबादी थी वो डेवलपमेंट प्रोसेस से बाहर थी। इसमें ये मैं नहीं कह रहा हूं कि राष्ट्र निर्माताओं ने कोई चमत्कार किया, ये चमत्कार अगर हुआ है तो इसमें उनका योगदान है, लेकिन ये और दूसरे प्रोसेसेस के साथ भी हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से मैं कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी, मार्केट फोर्सेस और स्टेट का अफर्मेटिव एक्शन, और एक पूरी दुनिया एक लेवल पर आगे बढ़ी है तो उसका एक पुल भी है, जो नीचे रह गए हैं उनको वो पुल भी कर रहा है। भारत जैसे बड़े मार्केट को और बड़ी आबादी को ये दुनिया इतनी बुरे हाल में नहीं रहने दे सकती है, तो वो जब आगे बढ़ती है तो पूरे दुनिया में इस तरह से मार्केट एक्सपेंशन है, उसका फायदा भारत को मिला। तो जनरली मैं कोई बहुत निराशाजनक स्थिति में आज की तारीख में खुद को नहीं पाता हूँ। छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ, जैसे कि अब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस देश में इस बीच में चले, जैसे, और ये बहुत पहले चल जाता तो अच्छा होता, जैसे कि हर घर में टॉयलेट होना चाहिए। नरेंद्र मोदी के इस प्रोजेक्ट को लोगों ने बहुत मजाक में लिया, लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत बड़े पैमाने पर ये प्रोजेक्ट चला, और ये इसने जो एक, आप उस परिवार की कल्पना कीजिए जिसके पास अपनी जमीन नहीं है, खेत नहीं है, रात में उनके परिवार की महिलाओं को अगर टॉयलेट ले जाना है तो वो उनके ह्यूमन डिग्निटी के बेसिक प्रमाइस को तोड़ दे रहा था। यस, यस, टॉयलेट का हो जाना वो एक आदमी बना रहा है, जो जिसकी अपनी गरिमा है वो किसी और के खेत पर जाने की उसकी मजबूरी खत्म हो गई। मेरे ख्याल से बहुत इस तरह के जो चेंजेस है ये बहुत परमानेंट है, और ये ऐसा नहीं है कि कोई मोदी जी का चमत्कार है, ये एक हिस्टोरिकल प्रोसेस में अलग अलग समय में अलग अलग चीजें हुई, जैसे कि लगभग अब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की तरफ देश जा रहा है, आपको जो इम्यूनाइजेशन है वो बहुत उसका भी एक दायरा बढ़ा है, तो बहुत सारी चीजें हुई हैं। कच्चे मकान धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तमिलनाडु जैसे स्टेट इस समय ऑलमोस्ट 60% अर्बन हो चुके हैं, ऑलमोस्ट हर गांव में स्कूल और अलग अलग राज्यों में और भी अच्छी स्थिति कहीं कहीं है जी, चीजें आगे बढ़ी हैं, कुछ चीजें परेशान कर रही हैं, खास करके जो नेशन का एक बेसिक प्रमाइस था कि सब लोग मिलके चलें, वो प्रमाइस टूटा है, वो प्रॉमिस टूटा है और वो एक डिस्कम्फर्ट पैदा कर रहा है। ये थोड़ा एक, मतलब मुझे अगर जो एक चीज परेशान
कर रही है इस समय वो ये कि भारत में मिडिल क्लास का ग्रोथ और तेज होना चाहिए नहीं है, और आपस के बीच के की कड़वाहट बढ़ी है, ये दो चीज मुझे डिस्कम्फर्ट में डाल रही है, अदरवाइज आई एम फाइन विद द प्रोसेस एंड प्रोग्रेस ऑफ दिस। जी जी, आपने इस उत्तर की शुरुआत में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म यूज किया कि 1947 में काफी व्यवस्थाएं टूटी हुई थी, भारत बहुत खराब हालत में था, शिक्षा की हालत जर्जर थी। मुझे लगता है आपका इशारा 200 साल के अंग्रेजी शासन की तरफ है जिन्होंने भारत को लूट खसोट के, जैसा कि दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में बताया, शिक्षा को बर्बाद कर दिया। अगर अंग्रेजों का शासन नहीं हुआ होता तो 1947 में शायद भारत बहुत अलग और बहुत बेहतर होता, मेरे ख्याल से आप शायद ये कहना चाह रहे थे। नहीं, एग्जैक्टली नहीं सर, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ब्रिटिशर्स अगर नहीं आते तो इस देश में उस समय क्या होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रिटिशर्स ने आया तो कोई बहुत उन्होंने अच्छा कर दिया, लेकिन मॉडर्निटी जिस तरह से आनी चाहिए थी वो पूरा दक्षिण एशिया, सर भारत की बात नहीं है, ये आपको म्यांमार से लेकर इधर अफगानिस्तान तक और इधर दक्षिण में श्रीलंका तक का जो पूरा भूभाग है, इसमें कुछ इनहेरेंट समस्याएं थी जिसकी वजह से ये इलाका उस तरह से डेवलप नहीं हुआ, और इस वजह से जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, साइंटिफिक रिवोल्यूशन, इनलाइटनमेंट, ये जो सारी प्रक्रियाएं दुनिया में देखी ये भारत में नहीं हुई अगर आप देखेंगे तो। जी, तो ऐसा नहीं भारत में जब अंग्रेजों का एक तरह से अगर आप माने कि पलासी जो है वो एक डिपार्चर का पॉइंट है, तो उससे पहले भारत बहुत गोल्डन एरा में था ये मानने का मेरे पास कोई कारण नहीं है कि मुगल पीरियड में या उससे पहले के जो मुस्लिम शासक थे या उससे ही पहले तक का कोई भी मतलब हिस्ट्री का वो इपॉक नहीं है कोई जहां पर भारत ग्लोबली बहुत अच्छी स्थिति में था, सिवाय एक ही पीरियड मुझे लगता है कि जिसमें ग्लोरी थी लेकिन उस समय का आप डाटा अवेलेबल नहीं इसलिए काम कर नहीं सकते हैं, लेकिन मौर्यन पीरियड और उसके पहले का आनंद पीरियड या आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन वो शायद वो दौर रहे होंगे जब इसकी कोई ग्लोरी उस समय एट पार रहा होगा सारी दुनिया से बाकी सभ्यताओं से। उसके बाद का जो दौर है उसमें कोई बहुत ग्लोरी नहीं है, मतलब आप देखिए जिस समय दुनिया में इन्वेंशंस हो रहे थे, लोग एस्ट्रोनॉमी और ये सब पढ़ रहे थे, आपको मशीन्स बन रही थी, उस दौर में हम तो कोई चमत्कार नहीं कर रहे थे ना, मतलब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तो हमको छुए बगैर निकल गया ना, हमारी तकलीफ क्या थी कि जो ब्रिटिश का कपड़ा है मशीन से बनता है तो बहुत सस्ता पड़ता है, हम क्यों नहीं मशीन से कपड़े बना रहे थे, क्योंकि क्योंकि हमने वो साइंस का वो उस यात्रा के हम सहयात्री थे ही नहीं। तो इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि ब्रिटिशर्स ने जो गड़बड़ी की वो ये किया कि वही पीरियड था 1750 से लेकर 1950 का जब दुनिया ने एक क्वांटम जंप लिया इन टर्म्स ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी नॉलेज, उस क्वांटम जंप के समय में ब्रिटिशर्स ने भारत को उसका हिस्सेदार नहीं बनाया, वो खुद जिन स्थितियों में गए अपने देश को जिस तरह से उन्होंने विकसित बनाया या पूरा यूरोप उस समय जिस तरह से तेजी से आगे बढ़ा, भाई अमेरिका की कहानी भी तो इन्हीं वही 200-300 साल की कहानी है, तो वो जब ये कर रहे थे तो उस समय इन्होंने इस भूभाग को रिसोर्स के तौर पर इस्तेमाल किया, सस्ते ह्यूमन कैपिटल के तौर पर इस्तेमाल किया, सस्ते यहाँ से सैनिक ले जाकर यूरोप की लड़ाइयों में उनको मतलब कठपुतलियों की तरह लड़ाया और उसमें लाखों लोग मरे। तो ये अंग्रेजों का जो इसमें क्राइम है वो ये है, अपने डेवलपमेंट प्रोसेस में उन्होंने भारत को एक रिसोर्स के तौर पर इस्तेमाल किया, इसके बावजूद वही पीरियड है जब भारत ने एक तरह से इगलिटेरियनिज्म के कुछ शुरुआती कदम रखे गए कि शिक्षा हर किसी तक जाएगी, औरत को तुमको उनको जला के नहीं मारने देंगे, ये जो 10-10 साल की लड़की को आप शादी करके ले जा रहे हो और उसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स में लड़कियां मर जा रही, ये हम आपको नहीं करने देंगे, कानून का राज होगा, दो लोगों को उनके जन्म और जाति के आधार पर अलग अलग दंड हम आपको नहीं देने देंगे, एक IPC होगा और हर किसी को मारना पड़ेगा। तो कुछ मॉडर्न इंस्टीट्यूशन असल में अंग्रेजों के समय आए, मुगलों का पीरियड इस मामले में और उससे पहले का जो मुस्लिम पीरियड है और उससे पहले के हिंदू शासक, उन्होंने इस ट्रांजिशन को नहीं लिया। जी, मैं समझ गया आपकी बात। मेरे ख्याल से आप जो कुछ कह रहे हैं, आज की सत्ता और आज की सत्ता के जो विचारक हैं वो इनमें से बहुत से विचारों से शायद पूर्णतः असहमत होंगे,
ये कहते हुए कि हमारा गोल्डन पीरियड जो रहा है उसको झूठ बता के इतिहास में प्रस्तुत किया गया, वो अपने आप में एक अलग ही डिबेट है और वो डिबेट चलती रहेगी और वही लोकतंत्र की निशानी भी है। मैं आपको अब रिजर्वेशन के मामले पे लाना चाहता हूं। जब 1950 से भारत में आरक्षण की व्यवस्था शुरू हुई, नौकरियों में आरक्षण, शिक्षा में आरक्षण और चुनावों में आरक्षण, 75 साल हो गए हमें तो ऐसा बताया गया था कि आरक्षण तो 10 साल के लिए होने वाला था, फिर ये 70-80 साल तक आरक्षण। तो कई लोगों को शिकायत है कि भाई ये रिजर्वेशन का जो पूरा सिस्टम है ये तो मेरिट को नष्ट कर देता है, इससे तो बहुत अन्याय हो रहा है और क्या ये अगले 700 सालों तक चलने वाला है। इस पर थोड़े विस्तार से अपने विचार रखें और हमें समझाएं कि दरअसल हो क्या रहा है, तकनीकी रूप से चल क्या रहा है। देखिए, इसमें एक तो मैंने जो कहा कि नेशन का जो बेसिक प्रिमाइस है, वहीं से मैं फिर शुरू कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये लगना चाहिए कि इस नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में हमारा हिस्सा है और हमारी जो तकलीफ है बाकी लोगों की भी तकलीफ है, मिलकर हम कुछ आगे बनाना चाहते हैं। ये अगर बेसिक प्रिमाइस है तो राष्ट्र के ज्यादा से ज्यादा समुदायों को साथ लेकर चलना ये नेशनल प्रोजेक्ट होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने दरअसल यही प्रोजेक्ट लिया कि हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है, इसी वजह से आर्टिकल 16(4) और ये सारा और सोशल जस्टिस जो है वो प्रीएम्बल में भी आया। ये इसके पीछे राष्ट्र के निर्माण की परिकल्पना ही उनकी थी, यही उनका उनकी सोच थी। इसके तहत ही रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में डाला गया। दो तरह के बेसिक रिजर्वेशन है, एक तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है जो 10 साल के लिए है और दूसरा वाला जो रिजर्वेशन है जो 16(4) से आता है आर्टिकल से, उसमें दो शर्तें हैं, बैकवर्डनेस और अंडर रिप्रेजेंटेशन, जहां से शिक्षा और नौकरियों वाला आरक्षण निकलता है। तो दोनों की अलग अलग व्याख्याएं हैं कि राजनीतिक आरक्षण जो है उसने दरअसल अपने कितने पर्पस पूरे किए, क्योंकि अंबेडकर तो ये राजनीतिक आरक्षण नहीं चाह रहे थे, वो सेपरेट इलेक्टोरेट चाह रहे थे। क्योंकि अभी का जो राजनीतिक आरक्षण है इसकी सीमा ये है कि जैसे कोई एक्स सीट है उसमें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, लेकिन वहां का वोटर जो है वो सारे लोग हैं। इसका मतलब अगर शेड्यूल कास्ट के लिए वो अग्रेसिवली कुछ करता है तो बाकी सारे लोगों को नाराज करता है और इसका मतलब वहां से वो हार जाएगा। तो सोशल जस्टिस की ये जो एक डिफिनेशन बनाई गई कि रिजर्व सीट वाला, ये असल में सोशल जस्टिस के खिलाफ इसलिए काम करता है क्योंकि वो सांसद चाह के भी अपने समुदाय के लिए ठोस रूप से कुछ करने की कोशिश करेंगे तो अगला चुनाव वो नहीं जीत सकते। ये बड़ी बात बोली आपने। जी जी, स्ट्रक्चर में है क्योंकि वोटर सबको ही है। तो उस वजह से ये जो संस्था है ये बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाई, इसीलिए अंबेडकर साहब ने इसका विरोध किया था कि ये नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि गांधी उस समय जो पावरफुल पोजीशन में थे और उन्होंने उनको उनके राष्ट्र निर्माण की अपनी परिकल्पना थी जो जिसको उन्होंने इसको लागू किया कि इस तरह का। एक छोटा सवाल, एक छोटा सवाल सर, उसके बाद आप उत्तर वापस जारी रखें। क्या इसी फिनोमिनन को काशीराम जी ने अपनी चमचा युग किताब में कहा था कि इस वजह से सब बर्बाद हो जाएगा, अर्थहीन हो जाएगा? देखिए, ये जो काशीराम साहब का ऑब्जर्वेशन था, इस ऑब्जर्वेशन को अम्बेडकर थोड़ा पहले देख पा रहे थे कि ये डिलीवर क्या करेगा। उनको अपना चुनाव भी हारना पड़ा क्योंकि उस जैसे प्रखर दलित नेता को उस कॉन्स्टिट्यूएंसी बाकी लोग क्यों जीतने देंगे, जो कि जिनका, क्योंकि देखिए किसी भी राष्ट्र का रिसोर्सेस तो लिमिटेड है, उसकी शेयरिंग की बात है। तो अगर ज्यादा शेयर लेने वाला कोई दलित नेता आपको दिखेगा या एक बाकी समुदायों के लोग, निश्चित रूप से उसको फिर नहीं जीतने देंगे। इसलिए आप देखेंगे रिजर्व सीट पर आमतौर पर जो पार्टी रिजर्वेशन को बहुत एग्रेसिवली परस्यू नहीं करती है उसी का कैंडिडेट जीतता है। तो बीजेपी के लोग जैसे रिजर्व सीट पर अच्छा परफॉर्म करते हैं, सपा एक समय दलित आरक्षण के खिलाफ थी तो सपा अच्छा परफॉर्म करती थी। तो ये एक मतलब ट्रेंड रहा है। तो ये उसमें एक समस्या है जिसको कि अब संविधान निर्माताओं ने किया है, तो मैं इसको बहुत क्रिटिक नहीं कर रहा हूँ। शायद वो रिजर्व ना हो तो वो सिर्फ कैंडिडेट जीत के भी ना आए, ये भी हो सकता है। इसलिए क्या होगा तो क्या होगा, पर मैं बात नहीं कर सकता हूँ। उसकी लिमिटेशन दिख रही है, इसलिए आप देखेंगे कि दलितों का कोई सवाल आता है तो आमतौर पर दलित सांसद चुप रहते हैं। उनका चुप रहना इसलिए नहीं कि वो चीजों को समझते नहीं है या इसलिए नहीं कि वो बेईमान है। उनका अगली बार जीत कराना इस बात पर निर्भर करता है कि वो मुखर न हो। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये अपने आप में समस्या है। अब दूसरे आरक्षण पर जहां तक आप देखें तो इसमें यही है कि ये जो आरक्षण है
ये अंडर रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन है, तो अंडर रिप्रेजेंटेशन अभी क्योंकि जारी है, सारे इंस्टीट्यूशंस में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लोग अभी भी ग्रॉसली अंडर रिप्रेजेंटेड है, खास करके सर 50% तो हो गया है, 50% से और कितना ज्यादा चाहिए? नहीं सर, जैसे कहा जाता है ना कि पुरानी बीमारी का इलाज लंबा चलता है, तो जो बीमारी 2000 साल 80 साल हो गए सर, 80 साल तो हो गए, अब क्या और 80 साल चाहिए? बीमारी भी तो 2000 साल पुरानी है सर। कैसे, ये थोड़ा समझाइए। जो इंडियन कास्ट सिस्टम है उसकी उम्र मोटे तौर पर अगर आप माने कि वेदों में पहली बार वर्ण व्यवस्था आती है पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद में, और उसके बाद आपको गीता के 18वें अध्याय में आता है, मनुस्मृति में आता है, अगर इनका रचना काल आप मोटे तौर पर भी, लोग तो इसको 10000 साल पुराने ले जा रहे हैं, अगर 10000 साल पुराने तो कास्ट सिस्टम 10000 साल पुराना है। कई सारे इतिहासकार मोटे तौर पर इस बात पे सहमत हैं कि ये 2000 साल पुराना है, कुछ लोग 1000 साल पुराना ही बोलते हैं। तो कम से कम इस कास्ट सिस्टम के फिलोसॉफिकल आधार की इतनी उम्र है, तो जो समस्या इतने लंबे समय से चली आ रही है, हमारे रिलीजियस टेक्स्ट का पार्ट है, और क्योंकि इंडिया के ज्यादातर लोग रिलीजियस हैं तो इन टेक्स्ट को तो भगवान की वाणी मान के पढ़ते हैं ना, गीता भगवान की वाणी है, वेदों की रचना तो ईश्वर ने ही की है, तो जो चीज ईश्वरीय है, जो आपको भेदभाव की जो पूरी व्यवस्था मनुस्मृति और ये सब में याज्ञवल्क्य की स्मृति और इन जगहों पर जो आई है, ये इसकी 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 ताकत बहुत ज्यादा है। भारत का व्यक्ति दरअसल, जो अम्बेडकर अपनी किताब एनालिसिस ऑफ कास्ट में कहते हैं कि भारत के व्यक्ति जातिवादी नहीं है, वो दरअसल धार्मिक है, और चूंकि धार्मिक टेक्स्ट आपको ये कोई मुंह से निकला है, कोई पैर से निकला है, हर व्यक्ति जन्म व्यक्ति का एक कर्म निर्धारित है, इस जन्म में अच्छा कर्म करोगे तो अगले जन्म में आपका उच्च वर्ण में जन्म होगा, ये जो सैद्धांतिक अवधारणाएं हैं, ये कोई पॉलिटिकल फिलोसॉफिकल टेक्स्ट नहीं, ये रिलीजियस टेक्स्ट है, तो इसलिए ये इनग्रेंड है सोसाइटी में बहुत ज्यादा, तो हो सकता है कि इसको समय लगे। और दूसरी बात ये भी है कि टोटल जो इसी पर एक छोटा सा रिजॉइंडर सर, मैं वापस आपको प्लीज जो टोटल जॉब सेक्टर है उसमें सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में ये रिजर्वेशन लागू है जी, वो टोटल जॉब के पूरे स्पेस का 1% से भी कम है। अच्छा, तो जो बाकी 99% है उसमें एक्सेल करने से कौन रोक रहा है? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को एक्सेल करने से कौन रोक रहा है जी? जैसे ओबीसी का रिजर्वेशन तो सेंट्रल लेवल पर जाकर 2009 में लागू हुआ, उससे पहले देश को महान बनने से कौन रोक रहा था? तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस, ये जो जहां जो रिजर्वेशन के दायरे से बाहर है, भारत का मीडिया जैसे रिजर्वेशन नहीं लागू करता है, तो भारत की मीडिया की ग्लोबल रैंकिंग क्यों 90 और 100 के आसपास है? आप इन इंस्टीट्यूशन को डिलीवर कराइए ना, रिजर्वेशन जुडिशियरी में नहीं है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, इस इंस्टीट्यूशन में 4 करोड़ केसेस क्यों पेंडिंग है? सुप्रीम कोर्ट में तो रिजर्वेशन नहीं है, 50,000 से ज्यादा केसेस क्यों पेंडिंग है? आप कितने हियरिंग पर एक जजमेंट देते हैं ये आपकी कैपेबिलिटी पर निर्भर करता है। क्यों यूरोप में और अमेरिका में, खास करके अमेरिका में, तो आपको 4 या 5 हियरिंग पर वो फैसले कर पाते हैं, और आपको क्यों यहाँ 40 हियरिंग की जरूरत पड़ती है? समझ, इंस्टीट्यूशन डिलीवर कराइए ना, वो इंस्टीट्यूशन तो डिलीवर करें जो रिजर्वेशन लागू नहीं करते हैं जी। चार्टर्ड अकाउंटेंट रिजर्वेशन नहीं है, बहुत इफेक्टिवली आप इस देश के करप्शन को आप वहां क्यों नहीं आप उसको रोक पा रहे हैं? जी जी, एक चीज तो सर मैं आपको धन्यवाद दूंगा, वर्किंग डे के दिन आपने इतनी समस्याओं के बीच भी हमसे आज आप जुड़े, और आप मोबाइल फोन के थ्रू जुड़े हैं, तो साउंड में अगर किसी व्यूअर को हल्की सी भी दिक्कत आ रही है तो कृपया ध्यान रखें, मंडल जी ने बहुत टफ शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला है, तो हम उनको धन्यवाद देते हैं, और आप इंजॉय करें इंटरव्यू को। सर मेरे 2 ऑब्जर्वेशन, पहला, मैंने बहुत सारे जितने भी हिंदू विचारक हैं और हिंदुत्व के विचारक हैं अभी, वो तो अक्सर यही कहते पाए जाते हैं कि ये जो कास्ट सिस्टम है ये तो अंग्रेजों की देन है, उसके पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं, ये काफी स्ट्रॉन्ग विचार है। आपके विचार उससे अलग हैं, आपने अभी बिल्कुल अलग बात बताई। हिंदुत्व के विचारक कहते हैं कि 200, 250, 300 साल से नाटक चल रहा है, अंग्रेजों ने नकली रूप से हम पे थोप फाइट इज एन आर्टिफिशियली क्रिएटेड कॉन्स्ट्रक्ट टू मिसलीड द पीपल ऑफ इंडिया एंड टू डिवाइड एंड रूल। इस पर आपके क्या विचार है, पहला? और दूसरा, जुडिशरी पर आपने काफी गंभीर ऑब्जर्वेशन अभी दिया, 4 करोड़ केसेस वगैरह, तो क्या आपका कहना यह है कि अगर भारत की जुडिशरी में एससी एसटी ओबीसी विमेन और माइनॉरिटी आरक्षण हम लागू कर देते हैं तो ये पेंडेंसी 0 हो जाएगी? राइट, तो आपका जो पहला प्रश्न है, अगर हम
ये माने कि कास्ट इज अ कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट, जो निकोलस डर्क आजकल मेरे ख्याल से वो अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी के वो इसमें शायद चांसलर भी हैं, इंडिया पर काफी स्टडी की है उन्होंने, इस टर्म को इस्तेमाल किया, भारत में काफी लोग उसको सब्सक्राइब करते हैं उस आइडिया को, कि ये ब्रिटिशर्स के समय में ये जो आइडेंटिटीज है ये फिक्स हुई, ज्यादा ठोस हुई, खास करके सेंसस वगैरह में कास्ट को लाया गया और कास्ट को ब्रिटिशर्स ने काफी उसको अपफ्रंट किया। लेकिन अगर आप ये माने कि कास्ट सिस्टम ब्रिटिशर्स की लाई हुई चीज है, तो हमको असल में सारे जो ग्रंथ हैं उनका रचनाकाल बहुत मॉडर्न हिस्ट्री में एक बहुत तेज और लंबी यात्रा करा के उनको हमको 250 साल पुराना इन सारे ग्रंथों को बताना पड़ेगा, तो ये शायद संभव नहीं है। इंडियन हिस्ट्री को आप इतना 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 शॉर्टन नहीं कर सकते हैं कि आप बोलें कि मनुस्मृति का रचनाकाल 1750 है, या जो गीता है वो 1700 ईस्वी में लिखी गई, या वेद जो है वो 1680 में लिखा गया। मतलब आप पूरे पूरे फिर पूरे हिस्टोरिकल डिस्कोर्स को आप बहुत वो गटमट हो जाएगा, फिर आपका पूरा वो सारा पूरी सारी किताबें रिराइट करनी पड़ जाएंगी। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि देखिए कुछ तो प्री ब्रिटिश पीरियड में जहाँ पेशवा रूल है, ये तो बहुत पुराने इतिहास की बात नहीं है उस समय के, मतलब उस समय का तो रिटन हिस्ट्री है उस समय की डॉक्यूमेंटेड है, तो कास्ट सिस्टम तो उन जगहों पर बहुत ब्रूटल तरीके से था। जिन रियासतों में अंग्रेज नहीं पहुंचे वहां पर हमको आज कास्ट सिस्टम फिर क्यों दिख रहा है, जहां पर कभी अंग्रेजों ने डायरेक्ट रूल नहीं किया फिर वहां कैसे पहुंचा, नेपाल के अंदर तो डायरेक्ट रूल कभी नहीं रहा, नेपाल में आज की तारीख में क्यों कास्ट को लेकर इतने झगड़े हो रहे हैं। तो तब ये एक मुझे लगता है कि बहुत हल्की बात है ये कहना कि अंग्रेज कास्ट सिस्टम लेकर आए, अगर अंग्रेज कास्ट सिस्टम लेकर आए तो फिर जो पूरी हिस्ट्री ही आपकी एक तरह से फॉल्सिफाई आपको करनी पड़ेगी, और इसके लिए भी तैयार नहीं है। आपको एक साथ ये भी करना है कि वेद 10,000 साल पुराने थे, और दूसरा और उसी जिसमें पुरुष सूक्त है, जिसमें कि वर्ण व्यवस्था की पूरा एक आइडिया दिया गया है ब्रह्मा के मुंह से कौन निकलेगा और किससे, और दूसरा आपको ये भी साथ साथ करना है कि कास्ट सिस्टम एंड वर्ण सिस्टम ये ब्रिटिशर्स के समय में आया, तो दोनों चीजें एक साथ कैसे सच हो सकती है। मतलब वेदों का 10,000 साल पुराना होना, गीता का ईश्वर के मुंह से निकलना और उसका भी 10,000 साल पुराना होना, या शायद और भी पुराना आप बता सकते हैं, और कास्ट सिस्टम का 250 साल पुराना होना, ये दोनों एक साथ इन दोनों चीजों को रिकंसाइल कैसे करें, तो एक तो मेरी समस्या ये है, और इस वजह से मुझे नहीं लगता है कि कास्ट सिस्टम इतनी नई चीज है। दूसरा जो आपका क्वेश्चन था, क्या पेंडेंसी ऑफ जो कोर्ट्स हैं उसको ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो देखिए इंडिया में जो जुडिशियरी का पूरा सिलेक्शन का सिस्टम है, ये सिस्टम में कुछ फ्लॉज हैं जिसके बारे में पार्लियामेंट से लेकर तमाम इंस्टीट्यूशंस और लॉ कमीशन ने इस पर काफी रिपोर्ट्स दी है। और आप लोगों की संख्या और जुडिशियल ऑफिसर्स के नंबर, इसके बीच का जो एक संतुलन होना चाहिए वो नहीं है, यहाँ जुडिशियल ऑफिसर्स काफी कम है, तो आपको क्योंकि वो फैसला दे नहीं पाते हैं तो तारीख लगा देते हैं, चलो ठीक है आगे थोड़ा सा और इसको सेटल होने देते हैं, या केस वाला थक के खुद किनारे लग जाएगा, तो ये एक तरह का जजमेंट ही है, जब हम न्याय न देने का फैसला करते हैं ये भी एक फैसला ही होता है। तो अगर इंडियन जुडिशियरी का एक्सपेंशन हो, इसमें कैपेसिटीज बढ़ाई जाए, नंबर ऑफ जजेस बढ़ाए जाए, और ये इंक्लूसिव हो, तो और ये जो जजेज हैं ये एक पारदर्शी प्रक्रिया से, अपेक्षाकृत पारदर्शी प्रक्रिया से, कम से कम यूपीएससी किसी प्रक्रिया से चुनकर आए जो बेसिक क्राफ्ट रखते हों। बहुत सारे जजेज हाईकोर्ट के ऐसे हैं जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में खुद एक या दो फैसला लिखा या कोई भी फैसला नहीं लिखा, इस तरह के भी जजेज हैं, जो कि अच्छा। एक बुनियादी शर्त है जैसे कि क्योंकि हाईकोर्ट के जो फैसले हैं वो बाकी हाई कोर्ट के लिए रेफरेंस जजमेंट होते हैं और उसके आधार पर फैसले साइट होते हैं, तो इस वजह से ये जरूरी शर्त है कि फैसले इंग्लिश में लिखे जाए, ये कोई अंग्रेजी के प्रति रुझान की बात नहीं है। आपने अगर राजस्थान हाई कोर्ट में फैसला दिया, इस कोर्ट को तमिलनाडु के हाई कोर्ट अगर में साइट किया जा रहा है तो होना चाहिए, इसका और कोई तरीका नहीं है।
ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, कोई बिल्कुल. इसमें हिंदी का हिंदी या किसी भाषा के प्रति द्वेष नहीं है. तो अब कई सारे जजेज हाईकोर्ट के हिंदी में फैसले लिखते हैं, उनको बाद में फिर जाके ट्रांसलेट करना पड़ता है. तो ये आपको बेसिक अगर क्राइटेरिया है कि आपको फैसले इंग्लिश में लिखना है, तो आप जजेज के सिलेक्शन के समय परीक्षा क्यों नहीं लेते हैं कि आप इंग्लिश लिख सकता है कि नहीं, इसके लिखने की स्पीड ठीक ठाक है कि नहीं. परीक्षा तो होती है, जुडिशियल टेस्ट तो होता है सभी राज्यों में. वो मेरे ख्याल से सिर्फ लोअर जुडिशियरी के लिए सर. अच्छा. हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं वो जिस प्रक्रियाओं से आ रहे हैं, सीधे वकील हैं और जजेज बनाए जा रहे हैं. जो कोलेजियम सिस्टम हमारे यहाँ आया 1993 के बाद, सेकंड जजेज केस के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके बाद से जज चुन रहे हैं, तो वो शर्तें जो आपने हटा दी है, इसकी वजह से बहुत सारे जजेस जिस तरह से फैसले लिखने में देरी कर रहे हैं. पेंडेंसी बढ़ रही है ना, जब कोलेजियम सिस्टम आया इसके बाद से वो पेंडेंसी बढ़ रही है. इस ये अपने आप में एक कॉजालिटी नहीं भी है तो कोरिलेशन है कि आपने एक नया सिस्टम लाया और अब केसेस की संख्या बढ़ गई. तो इन दो चीजों को अगर आप साथ साथ रखेंगे तो एटलीस्ट एक रिव्यू में तो जाएंगे ना कि कुछ समस्या आई, यहाँ से कोई समस्या हुई. और इस वजह से इस पर इसको लेकर अभी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वगैरह बनाने की सरकार ने कोशिश भी की थी. तो वो जुडिशियल प्रोसेस चैलेंज्ड है और उसको लेकर क्रिटिक है, और वो क्रिटिक जुडिशियरी के अंदर से ही बार बार आती है. चार जजेज को ये मतलब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट चार जजेज को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है कि जिस तरह से का सिस्टम है, और चीफ जस्टिस जिस तरह से अपनी पसंद के जजेज को सारे इंपॉर्टेंट केसेस दे रहे हैं, इससे डेमोक्रेसी को चैलेंज पैदा हो गया. तो ये छोटी बात नहीं है, चार जजेज खड़े होकर बैठ कर ये बोलना कि ये अब जुडिशियल सिस्टम जो है ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, ये बहुत बड़ी बात है. तो उस पर रिव्यू होना चाहिए. जरूरी नहीं है कि इससे अच्छी व्यवस्था ना हो तो कोई और बुरी व्यवस्था ले लाई जाए, लेकिन इसको एटलीस्ट स्क्रूटनी लायक विषय तो माना जाए, इसकी जरूरत है. तो ये मेरे दोनों सवालों पर मेरी जी बहुत अच्छा आपने समझाया, बहुत अच्छे से आपने ये समझाया. एक मेरा बहुत सीधा सवाल है, यदि जॉब्स में और एजुकेशन में और साथ ही एमपी एमएलए पोस्ट के लिए रिजर्वेशन ऐसे ही चलते रहेंगे तो सर मेरिट का क्या होगा? देखिए संदीप जी, मेरिट जो है ना वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट भी है. मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैं अभी अपने ऑफिस से बाहर निकलूं और फुटपाथ पर एक बच्चा भीख मांग रहा है, राइट, उस बच्चे को वहां से उठाकर मैं अगर आपके जैसे टीचर को पकड़ा दूं तो मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि 10 साल की आपकी ट्रेनिंग के बाद वो बच्चा एक बड़ा अफसर बनेगा या विदेश जाके पढ़ेगा, इसकी गारंटी है. तो मेरिट जो है वो अपने आप में कोई ऐसी न्यूट्रल चीज नहीं है जो जन्म से किसी में आ गई है किसी में नहीं आई. कुछ जो एक अपने आसपास के वातावरण से, फिर जो आसपास के वातावरण है वो आपको किस तरह के सपने देखने के लिए प्रेरित करता है. जैसे मैं ऐसे परिवारों को जानता हूँ जिनका बच्चा ग्रेजुएशन में यूनिवर्सिटी टॉपर रहा और उनके परिवार ने उनको कहा कि अब बीएड कर लो. वही दूसरे परिवार में इससे बहुत नीचे का एक बच्चा जो रैंक में बहुत नीचे है, 500 या 1000वें रैंक पे है, उन्होंने अपने बच्चे को यह कहा कि इसके बाद तुम मास्टर्स करो, नेट करो और पीएचडी करने के लिए आप एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी में चले जाओ. ये दो धाराएं हैं, वो एसेंशियली हमेशा आर्थिक धाराएं नहीं है, ये सामाजिक धाराएं भी हैं. क्योंकि समाज के एक हिस्से में ये एस्पिरेशन पैदा नहीं हुआ है कि हमारे परिवारों के लोग इतनी पीढ़ियों से पढ़ रहे हैं, तुम्हारे ताऊ जी तो वाइस चांसलर थे, तुम क्यों नहीं प्रोफेसर बन सकते हो. तो ये जो ताकत सपने देखने की आती है, ड्रीम्स की, ये ड्रीम भी सब लोग नहीं देख पाते हैं. तो ये इसलिए मेरिट का जो क्वेश्चन है, मेरिट असल में इन सपनों के देखने की कैपेसिटी और उन सपनों को फुलफिल करने की सुविधाएं, इन दोनों को मिलाकर आप किसी भी व्यक्ति को मेरिटोरियस बना सकते हैं. और एक सबसे अच्छे परिवार का सबसे शानदार यूनिवर्सिटी स्कूल में पढ़ रहा 5वीं या 6वीं क्लास के तेज बच्चे को मैं एक गरीब पिछड़े परिवार में अगर डाल दूं और उनकी सुविधाओं के साथ उसको जीना पड़े तो वो बच्चा अगले 4 साल में जाकर फेल होने लगेगा जी. तो ये और वो सारा कोलंबिया यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वो भूल जाएगा जी. तो ये मेरिट तो है, ये
आ जाता है अगर आपको आप उस एनवायरमेंट में आपकी चार पांच पीढ़ियां वहां से अपने ज्ञान पर अपना क्लेम करती रही हैं, इसकी जो ताकत है सपने देखने की, ड्रीम्स की ताकत, ड्रीम्स की बहुत ज्यादा ताकत होती है कि मैं ड्रीम देख रहा हूँ कि अब मुझे ये काम करना है। ये हर किसी का अलग अलग होता है। एक बच्चा मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हार्वर्ड देखता है, दूसरा बच्चा सोचता है कि किसी तरह से मैं अगर स्कूल टीचर बन गया तो मेरा काम हो जाएगा। ये उसके एनवायरमेंट से आ रहा है, उसकी पुरानी ट्रेनिंग से। तो मेरिट इज एक्चुअली एक्युमुलेटेड एसेट, ये एक पीढ़ी का एसेट नहीं है। ये जो कैपिटल है, ये जो पूंजी है, ये जो कनेक्शन है कि मैं विदेश जाना चाहता हूँ, मुझे वीजा कैसे मिलेगा, मेरे चाचा जा चुके हैं मैं उनसे पूछ लूंगा, मेरे जो प्रोफेसर हैं वो मेरे पापा के दोस्त हैं या जान पहचान के या एक ही सोशल ग्रुप के हैं, मैं उनसे एक अच्छा रिकमेंडेशन लिखवा लूंगा। वहां पर मेरे पांच पीढ़ियों से लोग विदेश जा रहे हैं तो मैं वहां जाऊंगा तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, रहने की व्यवस्था हो जाएगी। वहां का कोई एक प्रोफेसर मेरे जो मामा है या मेरे परिचित है या मेरे सोशल ग्रुप के हैं वो मेरी स्कॉलरशिप का बंदोबस्त करा देंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारी कहानियां ऐसी है, लेकिन ऐसी लाखों कहानियां हैं। आपके उत्तर के अंत में आपने कास्ट कैपिटल की तरफ इशारा किया जरूर, लेकिन आपके उत्तर का पहला और बड़ा हिस्सा 60-70% शायद ऐसा इशारा कर रहा था कि आर्थिक आधार ही प्राइमरी बेड़ी का काम कर रहा है। तो मेरा अगला सवाल उस पे से आता है, यदि ऐसा है तो ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस SEBC का ये सब हटाइए और केवल केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण दीजिए, जैसा कि मोदी जी ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10% का एक रेवोल्यूशनरी नया फॉर्मूला ढूंढ के निकाला, तो क्यों ना हम सब हटा दें SC ST OBC, हम जो गरीब है उसको दें तो बात ही खत्म हो जाएगी। राइट सर, इसमें मेरा जो सवाल है वो एक फ्रेंच फिलोसोफर हैं पियरे बॉर्ड्यू, उनसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो दरअसल किसी भी व्यक्ति या समाज या परिवार की तीन तरह की पूंजी होती है उसके पास, कैपिटल जो है वो तीन तरह का होता है। एक फाइनेंशियल कैपिटल है जिसकी आप बात कर रहे हैं, आर्थिक पूंजी होती है। इसके अलावा दो पूंजी और होती है, एक कल्चरल कैपिटल है और एक सोशल कैपिटल है। कल्चरल कैपिटल क्या है कि मेरी शिक्षा दीक्षा, मैं किस स्कूल में जा रहा हूँ, कहाँ से ट्रेनिंग ले रहा हूँ, कहाँ कोचिंग ले रहा हूँ, इन सबसे मिलाकर मेरा एक कल्चरल कैपिटल बनता है। उसमें मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, मेरा मतलब बाकी चीज़ें बनती है। और तीसरा कैपिटल जो है सोशल कैपिटल है, मोटे तौर पर जिसको भारत में बोलते हैं कि वो कनेक्शन या नेटवर्क या मेरी जान पहचान, वो उसका दायरा क्या है और उस दायरे का स्तर क्या है, वो किस तरह के लोगों को मैं जानता हूँ, किस तरह के लोग मुझे जानते हैं। ये तीन तरह की पूंजी है। तीनों तरह की पूंजी के बारे में पियरे बॉर्ड्यू कहते हैं और हम सब अपने निजी अनुभव से जानते हैं कि ये एक अगर है तो दूसरा उसमें हासिल किया जा सकता है, ये इंटरचेंजेबल है। अगर मेरे पास पैसा है तो मैं कल्चरल कैपिटल गेन कर लूंगा और कनेक्शन गेन कर लूंगा। अगर बस मेरे पास कनेक्शन है उससे मैं पैसे भी कमा सकता हूँ और कल्चरल कैपिटल गेन कर सकता हूँ। अगर मेरे पास कल्चरल कैपिटल, एजुकेशन, अटेंडेंस है तो मैं बाकी चीजें पैसे भी कमा सकता हूँ। तो ये तीन तरह के कैपिटल इंटरचेंजेबल है। अब मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, इससे मेरे ख्याल से जो खास करके सोशियोलॉजी और सोशल साइंस के स्टूडेंट है उसको अच्छे से समझ पाएंगे। पियरे बॉर्ड्यू ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और इसको आप अपने आसपास करके देख सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट क्या है कि पेरिस में जो लुवर म्यूजियम है, जो वहाँ का सबसे दुनिया के सबसे अच्छे म्यूजियम है, जहाँ मोनालिसा रखी हुई है और उस तरह बड़ा अच्छा शानदार म्यूजियम है, एक समय में वहाँ पर जाने की कोई फीस नहीं थी। तो उन्होंने अपने रिसर्चर्स को वहाँ पर गेट पर बैठाया और कहा कि आप पता करो कि जिस म्यूजियम में आने की कोई फीस नहीं है यहाँ कौन आता है। तो अच्छा। उन्होंने डाटा कलेक्ट किया, काफी समय तक डाटा कलेक्ट किया और डाटा को फिर बाद में टेबलेट किया गया। तो ये पाया गया कि जो लोग वहाँ के सामाजिक स्टेचर में ऊपर हैं, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, वही लोग इस जगह जा रहे हैं जबकि वहाँ जाने का कोई खर्च नहीं है। आपको मैं इस तरह का मिलता जुलता एक्सपेरिमेंट दिल्ली में करके मैंने देखा कि यहाँ का जो सबसे शानदार पार्क है वो लोधी गार्डन है, जहाँ सांसद से लेकर IAS ऑफिसर्स मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करते हैं। वहाँ जाने की कोई फीस नहीं है, गेट खुला हुआ है, सब कोई जा सकता है। लेकिन आसपास के रहने वाले झुग्गी बस्तियों या वहाँ के सफाई कर्मचारियों के बच्चे वगैरह वहाँ खेलने नहीं जाते हैं, वो वहाँ घूमने भी नहीं जाते हैं।
कोई कह सकता है कि आपको कोई आर्थिक बाधा तो नहीं है, आप क्यों नहीं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर या आप जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल या इंडिया हैबिटेट सेंटर या सेमिनार्स या आर्ट एंड कल्चर के इतने बड़े बड़े शोज या बड़े बड़े पेंटर्स की प्रदर्शनी जहां जाने के लिए आपको कोई खर्च नहीं करना है, हॉल्स हैं, आप जाएंगे तो वहां बल्कि चाय पी के आएंगे, यहाँ पर वो क्लास या वो कास्ट क्यों विजिबल नहीं है जो वहां बगैर किसी खर्च के जा सकता है? इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो एक हिस्टोरिकल डेफिसिट है ये सिर्फ पैसा होने से नहीं हो सकता है। मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन ये संभव है कि मेरे घर में किराए में रहने वाला व्यक्ति वो ये समझदारी है कि मैं अपने बच्चे को सेंट जेवियर्स से सेंट पॉल्स में भेज दूं और जिसके जिसके 30 कमरे हैं जो करोड़ों रुपया उसकी आमदनी है वो अपने बच्चे को हो सकता है कि गवर्नमेंट स्कूल में भेज दे और पढ़ाए ही नहीं। तो ये सिर्फ सिर्फ आर्थिक जो अटेनमेंट है वो अकेला क्राइटेरिया नहीं है, इसके अलावा दो कैपिटल और हैं। तो ये तीन हाथों से में जो तीन तरह की पूंजी एग्जिस्ट कर रही है तो बाकी दो पूंजी का जिनके पास डेफिसिट है, जैसे मैं आपको बताऊं कि अमर सेन जी कि चार पीढ़ी पहले के लोग विदेश जा चुके थे। अमर सेन के लिए विदेश जाकर अपनी डिग्री लेना कितना आसान रहा होगा, बिल्कुल इसकी तुलना में एक व्यक्ति जिसके पास 200 गाय है, हो सकता है कि वो चार पीढ़ी से अमर सेन के परिवार से ज्यादा अमीर भी हो सकता है, लेकिन या उसके पास गांव में एक जमीन है और हो सकता है पूरा पूरी पहाड़ की सारी जमीन उसके पास है जिसको वो बेच दे तो हो सकता है कि 5-6 हजार करोड़ कमा ले। इस तरह के लोग आपको हरियाणा वगैरह में काफी मिलेंगे तो जिनके पास वो पुरानी परती जमीन थी अब दिल्ली के पास हो गई थी जमीन, अब सैकड़ों करोड़ की हो गई है, वो अपनी शादी में हेलीकॉप्टर से जाते हैं। लेकिन उसको उनको ये नहीं मालूम कि अगली पीढ़ी को अगर हम इस समय फॉरेन में भेज दें और वहां की यूनिवर्सिटी में पढ़ा दें तो वो महीने में 1 करोड़ रुपया कमाएगा। अगर ये कल्चरल आइडिया उसके पास नहीं है तो वो पैसा तो धीरे धीरे कम हो जाएगा ना। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो किसी कॉल सेंटर में 40 उन्होंने टैक्सी दे रखी है और 41वीं टैक्सी खुद चलाते हैं। बहुत बढ़िया उदाहरण है, उसको भी वो टैक्सी चलवाएंगे। जी 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 और उसके बाद वो जो उस कॉल सेंटर का मालिक है वो समय के साथ वो इनसे 4-5 गुना ज्यादा अमीर भी हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स है, सिर्फ अर्थ से इसको उस तरह से मेरे ख्याल से वो थोड़ा सरलीकरण है कि सर अब भारत सरकार भी नहीं मानती है कि सिर्फ आर्थिक मामला ही है, इसलिए बाकी रिजर्वेशन भी उन्होंने उसने जारी रखे हैं। जी अब एक थोड़े से कंट्रोवर्शियल मुद्दे पर आते हैं। देखिए एक तरफ समाज आगे बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, लोग जाति के विभेदों को भूलकर अपनी शहरी लाइफ में मग्न हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये पाते हैं कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कास्ट सेंसस कराओ, कास्ट सेंसस कराओ। क्या समय आज जातियों को गिनने का है या जातियों को भुलाने का है? 2011 में भी सरकार ने कराया तो सही डेटा कभी दिया ही नहीं। वर्तमान सरकार ने भी वादा तो किया लेकिन अब उसके खिलाफ बोलने लग गए हैं। शायद ये लोग राष्ट्रीय एकता को ज्यादा महत्व देते हैं और शायद जो लोग कास्ट सेंसस बोलते हैं वो लोग राष्ट्रीय एकता का महत्व समझ ही नहीं पाए हैं आज तक। आपको क्या लगता है? सर देखिए कास्ट सेंसस जो है भारत में वो 1931 का ही लास्ट आंकड़ा है। 1941 में कास्ट क्वेश्चन था सेंसस में लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण वो टेबलेट नहीं हुआ। तो अभी भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो 1931 में ही आपको लास्ट कास्ट डाटा मिलेगा। जी 1951 में जो हमारे राष्ट्र निर्माता थे उस समय के जो सरकार बनी थी उनकी ये धारणा बनी कि अगर हम कास्ट को न देखें न गिने कास्ट को कंसिडरेशन में न लें तो शायद जातिवाद इस देश से खत्म हो जाएगा। ये एक बुनियादी सोच के तहत तो उन्होंने बहुत अच्छी उदात्त सोच के तहत बहुत लिबरल और शानदार सोच के तहत उन्होंने कास्ट सेंसस नहीं कराने का फैसला किया। हालांकि पूरी तरह सच नहीं है क्योंकि उसके बाद भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का सेंसस लगातार जारी रहा और सभी सेंसस में होता है, इस बार भी होगा क्योंकि आपको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को आबादी के अनुपात में आरक्षण देने की शर्त है विधानसभाओं में और लोकसभाओं में और नौकरियों में भी, तो आपको उनकी आबादी जानना जरूरी है। तो हम
लिमिटेड कास्ट सेंसस तो हमेशा ही कराते ही है, ऐसा भी कभी भारत में नहीं हुआ कि हमने कास्ट गिनना बंद कर दिया है। हम सिर्फ ये मान रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की तो कास्ट है, बाकी सारे लोग जाति मुक्त हैं, उनकी जाति वगैरह गिनने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो 1978 में मंडल कमीशन बना, उसके बाद ओबीसी आरक्षण लागू हो गया, उससे पहले कई राज्यों में पिछड़ी जातियों का आरक्षण पहले से ही लागू था। तमिलनाडु में तो आपको आजादी से पहले से लागू था, तो आपको ओबीसी को भी आरक्षण देने की आपकी जरूरत थी और आप उसको दे भी रहे हैं, सभी राज्य दे रहे हैं इस समय लगभग, तो आपको आप बगैर उनकी संख्या जाने दे रहे हैं। ये इस समय की सबसे बड़ी समस्या है, इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सीज हो रही है और लगातार लिटिगेशन सैकड़ों बन गए इसको लेकर, तो आम जगहों पर चल रहे हैं। तो सवाल फिर ये उठता है कि क्या भारत के संविधान ने जाति के अस्तित्व को नकार दिया है? तो आप पाएंगे कि नहीं, जाति के अस्तित्व को तो उन्होंने मान रखा है, क्योंकि सिविल राइट्स का एक्ट है, छुआछूत के निषेध का कानून है, आपको सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए आर्टिकल 340 है। तो सोशली बैकवर्ड क्लासेस क्या है? तो भारतीय संविधान ने और की जो व्याख्या है सुप्रीम कोर्ट के, उसके हिसाब से जो कास्ट है उसका प्राइम क्राइटेरियन है, जिससे क्या सोशली बैकवर्ड होना किसी का निर्धारित करते हैं। इसके आधार पर आपको बैकवर्ड क्लास कमीशन है, बैकवर्ड क्लास डेवलपमेंट फंड है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्कॉलरशिप है, तो आप कास्ट के बेसिस पर पॉलिसीज तो बनाई है। ईडब्ल्यूएस में भी जैसे आपने ईडब्ल्यूएस को उस संविधान संशोधन में डिफाइन किया कि जो एससी एसटी ओबीसी आरक्षण में नहीं है वो ईडब्ल्यूएस है, तो आपने सवर्ण को भी डिफाइन किया। तो कास्ट बेस्ड पॉलिसीज तो आपकी है, जैसे केंद्र सरकार ओबीसी डेवलपमेंट के लिए राज्यों को पैसा देती है जी, किस राज्य को कितना देना है कैसे पता चलेगा? अच्छा, मध्य प्रदेश में या आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु या पंजाब में कितने ओबीसी हैं, इसको जाने बगैर आप ओबीसी डेवलपमेंट का फंड दे रहे हैं? तो इसका मतलब कि आप नीतियां बना रहे हैं बगैर डाटा के, बगैर जानकारी के, एक अंधी सुरंग में आपने उसमें पैसे डालना, नीतियां बनाना कभी बंद नहीं किया। तो आपको डेवलपमेंट के सारे प्रोसेसेस के लिए आपको पता ही नहीं कि किन समुदायों में, जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या ज्यादा है, अगर आपको टारगेटेड पता चले तो आप टारगेटेड तरीके से उन समुदायों के जागरण जन जागरण पे काम कर सकते। जी, जी। आपको ये नहीं पता कि किन समुदायों के फूड बिहेवियर में ऐसा कुछ है जिसकी वजह से उनके बच्चे स्टंटेड पैदा हो रहे हैं, इस तरह के आपके पास दुनिया में देखिए सेंसस जो है वो आपको समाज के बारे में अधिकतम जानकारियां इकट्ठा करने का जरिया होता है। जो यूएन ने भी सेंसस को गाइडलाइंस दी है, मॉडल गाइडलाइन है, आने की मजबूरी नहीं है, लेकिन ये क्या, अब जैसे अमेरिका में अभी सेंसस हुआ, ये सेंसस का वर्ष है, क्या उन्होंने ब्लैक्स के बारे में जानकारी नहीं इकट्ठा की, हिस्पैनिक्स के बारे में जानकारी इकट्ठा नहीं की? अमेरिकन इंडियन, इंडियन अमेरिकन, ब्लैक्स, सबके बारे में तो जानकारी इकट्ठा की, ऐसा तो नहीं किया ना कि ब्लैक्स का जानकारी ले लेते हैं। लेकिन सर वो तो रेसेस हैं, नस्लें हैं, वो कास्ट नहीं है। नहीं तो भारत, क्योंकि भारत में जो सामाजिक विभाजन है, फिर आपको इंडियन रियलिटी के हिसाब से ही तो आपको आंकड़े बनाने पड़ेंगे, पॉलिसी तो आप उसके आधार पर बना रहे हैं। आप क्यों ओबीसी का कोई स्कॉलरशिप दे रहे हैं, और इस समय किसी राज्य, कोई राज्य क्यों उनको अपने अपने अलग अलग राज्य में केंद्र सरकार जैसे टोटल स्कॉलरशिप है वो हायर एजुकेशन में 300 देती है, क्यों 300 ही दे रहे हैं? क्या आपने इस बात का आंकड़ा इकट्ठा किया कि ओबीसी में कितने लोग हैं जिनको स्कॉलरशिप की जरूरत है? जी, इस आंकड़े के बगैर आपने पॉलिसी बना दी और पैसा भी डाल दिया। तो इस वजह से देखिए प्रॉब्लम आ रही है क्या सर, कि आपने आंकड़े के बगैर पॉलिसी से कैसी दिक्कत होती है, जैसे कि बहुत सारी जातियां डिमांड कर रही हैं कि हमको ओबीसी में डाल दो। जी जी, जाटों ने कहा, मराठा ने कहा, कपू ने कहा, पटेलों ने कहा, अब इस तरह का जो आंदोलन होता है तो उनको मालूम है कि कोई आंकड़ा नहीं है, तो सरकार से अपनी बात कैसे मनवानी है? तो वायलेंट तरीके से अपने जन, अपनी आबादी की ताकत दिखाकर इसको हासिल करना है, और सरकार क्या करेगी, दे नहीं सकते हैं तो फायरिंग कर दो या लाठी चार्ज कर दो, अरेस्ट कर लो, यही हो रहा है ना, पिछले 10 साल में ऐसे सारी घटनाएं हुई है। कानून भी बना, मराठों को आरक्षण देने का कानून भी बना जो फिर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, बना फिर हो गया और उसके फिर वो प्रोटेस्ट। तो आप जब तक आप अब इस क्लेम को अगर आपको रिफ्यूट करना है कि नहीं आपका क्लेम गलत है, इसके लिए आपको दो आंकड़े चाहिए कि मराठा आपकी कुल आबादी इतने लाख है, आप एजुकेशन में ऑलरेडी इतने हैं, गवर्नमेंट जॉब में इतने ऑलरेडी हैं, आपके पास इतनी जमीनें हैं, इसलिए हम आपको आरक्षण नहीं देंगे,
या देंगे, ये दोनों दोनों में से कोई भी एक चीज करनी है, इसके लिए आपको आंकड़े चाहिए। आप जाटों के बारे में न आपको आबादी मालूम, न उनका एजुकेशनल अटेनमेंट मालूम, न उनके पास कितनी जमीन मालूम। आपने कुछ राज्यों ने दे दिया उनके, कुछ राज्यों ने नहीं दिया, केंद्र ने नहीं दिया, कितना आर्बिट्री तरीके से ये इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं। देख रहे आप जाटों के आरक्षण को लेकर यूपी ने दे दिया, राजस्थान ने दे दिया, दिल्ली ने दे दिया, हरियाणा ने नहीं दिया, पंजाब ने नहीं दिया और केंद्र सरकार ने नहीं दिया। क्यों? मन किया ना, या वहां पर पॉलिटिकल प्रेशर इतना बना कि आपको दे देना पड़ा, जहां इतना नहीं बन पाया उन्होंने दिया। तो बाकी तब जातियां क्या करेंगी, वो पॉलिटिकल प्रेशर बनाएंगी, आंदोलन करेंगी, रेल रोकेंगी, सड़क जाम कराएंगी, दुकानें जलाएंगी और आप फायरिंग करोगे। तो इस तरह से आपके सैकड़ों सवाल है जो कर्नाटक नहीं रिजॉल्व हो रहे हैं। जैसे एक सवाल सर आखिरी में कह रहा हूँ, एक सवाल है कि ओबीसी में कुछ जातियां सरकार का अनुमान है कि ज्यादा आरक्षण से लाभान्वित हो गई, कुछ जातियां पीछे रह गई, तो आपको बाइफर्केशन या ट्राइफर्केशन की करने की जरूरत है। इसके लिए 2017 में रोहिणी कमीशन बना दिया, जो अभी तक रिपोर्ट ही नहीं आई। रोहिणी कमीशन 12 एक्सटेंशन दे चुके हैं और एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अगले अनंत काल तक देते रहेंगे, रिपोर्ट नहीं क्यों दे पा रही है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं कि कौन सी जातियां ओवर रिप्रेजेंटेड है, कौन अंडर रिप्रेजेंटेड है। ओवर रिप्रेजेंटेड या अंडर रिप्रेजेंटेड के लिए दो आंकड़ा चाहिए, कुल आबादी, नौकरियों में उनकी संख्या। इन दो के बगैर आप कैसे कर सकते हैं कि एक्स जाति ओवर रिप्रेजेंटेड हो गई है, इसको अलग कैटेगरी में डाल दो। जी, तो जी। ये असल में इस तरह के सैकड़ों कॉन्फ्लिक्ट्स, राजनीतिक विवाद और कोर्ट के केसेस तब तक होते रहेंगे जब तक आप इसको सेटल नहीं कर लेंगे कि भाई इतनी संख्या है, इतने ऑलरेडी एजुकेशन में, इतने नौकरियों में, तुमको आरक्षण चाहिए क्यों, तुम आरक्षण से बाहर जाओ। ये अगर भी किसी जाति को कहना है तो इसके लिए आपको आंकड़ा चाहिए ना। तो मेरा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूं मंडल जी। वर्तमान सरकार एक बहुत प्रोग्रेसिव सरकार है, भविष्य की ओर देखने वाली सरकार है। डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंडिया की सरकार है। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग की ये मूल बात जो आप 5 मिनट से हमें समझा रहे हैं, ये बात तो सरकार भी समझती है। तो अब सरकार क्यों खारिज कर रही है इसको, मैं ये समझ ही नहीं पाया। देखिए, नरेंद्र मोदी जो वन है, पहली सरकार जो थी उसमें कैबिनेट का जो फैसला हुआ जिसकी घोषणा राजनाथ सिंह ने की, आप सारे लोग इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, सारे अखबारों में छपा था कि उन्होंने कास्ट सेंसस के लिए सरकार तैयार हो गई थी, लेकिन अब वो कह रही है कि वो इसको नहीं कराना चाहती। तो उन्होंने अपना पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप किया है, क्योंकि यही बीजेपी जब यूपी की गवर्नमेंट थी तो कास्ट सेंसस डिमांड कर रही थी। पार्लियामेंट के अंदर में जब कास्ट सेंसस की डिबेट हुई थी तो उनके दो सदस्य बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी ने खड़े किए थे बोलने के लिए, गोपीनाथ मुंडे और हुकुमदेव नारायण यादव, दोनों ने कास्ट सेंसस का समर्थन किया था और संसद में आम सहमति बनी थी, क्योंकि सरकार उस समय टालमटोल कर रही थी, लेकिन बाकी पार्टियों का दबाव पड़ा, बीजेपी का भी दबाव पड़ा, तो कास्ट सेंसस में तैयार हो गए। तो जब विपक्ष में थे तब कास्ट सेंसस के समर्थक थे, जब एनडीए वन हुआ, मतलब ये जो नरेंद्र मोदी वन हुआ, तब ये कास्ट सेंसस के समर्थन समर्थक थे, अब ये इस समय उसके समर्थन में नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसके कुछ राजनीतिक कुछ वजहें हो सकती हैं, जो उनको लग रहा है कि ये कुछ ऐसे सवालों को पैदा कर सकता है जिससे उनका जो विराट हिंदू उन्होंने बनाया है, एक ब्रॉड एंड मुस्लिम और हिंदू की बाइनरी उन्होंने बनाई है कि मुस्लिम और हिंदू का जो द्वैत है, जो उनकी राजनीति का मूल आधार है, उसमें शायद ये फिट नहीं बैठता है कि हिंदुओं के अंदर का फ्रेगमेंटेशन इस तरह से दिखे। लेकिन न देखने से ये समस्या हल होनी होती तो 1951 से लेकर 2011 तक तो नहीं देखा ना सेंसस में। क्या आज की तारीख में ये सच नहीं है कि जातियों के आधार पर शादी के विज्ञापन आते हैं? क्या ये सच नहीं है कि 2011 के सेंसस में जब ये देखा गया कि क्या अर्बन सेटिंग्स में बेंगलोर और कलकत्ता और मुंबई जैसे शहरों में ज्यादातर जो बस्तियां हैं उसमें एक भी दलित नहीं है, इस तरह के तो सारी स्टडी गवर्नमेंट के डाटा से आ चुका है। तो कास्ट क्या आज की तारीख में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? क्या इतने साल से जो ये कह रहे हैं कि इतने साल से आरक्षण के बाद आरक्षण की क्या जरूरत थी,
इसका एक काउंटर क्वेश्चन ये भी हो सकता है, इतने साल से आपने जाति नहीं देखी तो जाति क्या खत्म हो गई? नहीं देखने से समस्या खत्म हो जाएगी? ये मेरे ख्याल से एक रॉन्ग फिलोसॉफिकल आइडिया है कि ना देखने से कैसे सॉल्व होगी। आपको जो समस्या है उसको आपको उसके आंख में आंख डालनी पड़ेगी, आपको हैंडल करना पड़ेगा, आपको उसको उसको सोसाइटी को डेमोक्रेटिक बनाने का एक बेसिक जो आइडिया है उसमें आपको प्रॉब्लम को न देखने से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, तो ये इसमें समस्या है। इससे पहले कि मैं इंटरव्यू को थोड़ा क्लोजर की तरफ ले जाऊं, और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें आज हमको बताई, जरूरी नहीं कि सारे व्यूअर्स सारी बातों से सहमत हो ही, लेकिन एक पर्सपेक्टिव बड़ा स्ट्रांग आपने बड़ा तर्कों के साथ रखा है। कहीं मैंने भी एनालिसिस में पढ़ा था कि कास्ट सेंसस को लेकर डर की एक वजह यूपीए और एनडीए दोनों में शायद ये रही होगी कि जो जनरल कैटेगरी में जब फ्रेगमेंटेशन दिखेगा ओबीसी वर्सेस सवर्ण का, और वो रेशियो ऐसा निकल कर आएगा कि उससे बहुत बेचैनी हो सकती है लोगों को कि कितने रिसोर्सेस पर कितने परसेंटेज का आधिपत्य है, तो शायद उससे पॉलिटिकल असहजता पैदा हो सकती है। खैर वो एनालिसिस सही है कि नहीं वो तो नहीं पता। तो मंडल जी ये बताइए, आपके सपनों का भारत कैसा होगा? देखिए मेरे सपनों का भारत लगभग वैसा होना चाहिए जो भारत के संविधान निर्माताओं ने जो ड्रीम डॉक्यूमेंट किया है, जहाँ पर विचारों की स्वतंत्रता होगी, सारे लोग अपने अपने विचार रखेंगे, असहमतियों के साथ जीने का एक अभ्यास होगा। इस कल्पना ऐसी कल्पना नहीं होगी कि बगीचे में सिर्फ गेंदा फूल खिलेंगे या सूरजमुखी का फूल खिलेगा, सैकड़ों तरह के फूल खिलेंगे और वो एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट करेंगे। एक मैं मॉडर्न देश की कल्पना करता हूँ जहाँ पर साइंटिफिक टेम्परामेंट होगा, पोंगापंथ जो है उससे पूर्णता नहीं तो काफी हद तक मुक्ति होगी, प्रतिभाओं को बगैर रिस्ट्रिक्शंस के पनपने का और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मैं कैसे भारत की कल्पना करता हूँ जिसमें कि मिडिल क्लास का जो साइज है वो कम से कम भारत की 60-70% तक ग्रोथ कर जाए, और जो देश का इंटरनल कंजम्पशन है वो इतना बड़ा हो कि भारत में भी 2-3 किलोमीटर तक फैली हुई चीन की तरह की फैक्ट्रियां बनेंगी, जहां पर बहुत बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा और प्रोडक्शन का स्केल इतना बड़ा होगा कि हमारा जो प्रोड्यूस है वो वर्ल्ड मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्राइस का हो जाएगा और एक्सपोर्ट भी हम ज्यादा कर पाएंगे और एक इंडस्ट्रियल देश बनेगा, एक अर्बन नेशन की तरफ हम बढ़ेंगे और देर सवेर सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य इन दो क्षेत्रों में निवेश बढ़ाएगी, बिजनेस से अपने हाथ धीरे धीरे खींचेगी और वो उद्योग ना चलाए लेकिन अपने खास करके शिक्षा और स्वास्थ्य में जिस तरह का कम से कम यूरोपियन मॉडल है ये सरकार लगभग उसमें एक समानता लाएगी, सबको लगभग एक जैसे, जैसे वो नेबरहुड एजुकेशन सिस्टम है कि आपको अपना बच्चा नेबरहुड एजुकेशन में ही डालना है, 2-3-4 लेयर से अभी बन गए हैं, आईबी स्कूल से लेकर सीबीएसई और स्टेट बोर्ड और उसके नीचे एकल विद्यालय तक के जो इस मॉडल्स बन गए हैं उसमें जो गैर बराबरी ही नहीं आ रही है, मिडिल क्लास फॉर्मेशन इसकी वजह से रुक गया है भारत में। अच्छा, इतनी छोटी छोटी फैक्ट्रियां जैसे चाहे चीन की एक एक बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में या भारत की 10-10 फैक्ट्रियां घुस जाएंगी और इतने बड़े स्केल पर जब वो प्रोडक्शन करते हैं तब वो खर्चा भारत से आधा कर लेते हैं अपने प्रोडक्शन का, कई सारे प्रोडक्ट का जी, और प्रोडक्ट हमारे यहाँ सस्ते में बिकते हैं क्योंकि वो उनका स्केल बहुत बड़ा है, तो उस स्केल पर प्रोडक्शन करने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे मिडिल क्लास का साइज बहुत बढ़े, और वो मिडिल क्लास का साइज बढ़ने की बुनियादी शर्त है कि वो मिडिल क्लास हर समुदाय से आए। सवर्णों का मिडिल क्लास लगभग बन चुका है, उनके ज्यादातर लोगों के घर में एक अगर फ्रिज पहुंच चुका है, और अगर भारत में फ्रिज की बहुत बड़ी फैक्ट्रियां बननी है जहाँ पर एक साल में करोड़ों फ्रिज बने तो हमको वो फ्रिज खरीदने की कैपेसिटी वाला बहुत बड़ा क्लास चाहिए, और वो क्लास अब जो आएगा वो ओबीसी शेड्यूल कास्ट और ओबीसी और शेड्यूल ट्राइब से आएगा, माइनॉरिटी से आएगा, जहाँ पर मिडिल क्लास के फॉर्मेशन की गति अभी कम है। तो ये नेशन बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है कुल मिलाकर, जो हम जिसको लोग कास्टिस्ट प्रोजेक्ट कहते हैं कि आप मिडिल क्लास का विस्तार वो इस पर क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके बगैर भारत का कोई विकास नहीं होना, हमारी फैक्ट्रियां छोटी रह जाएंगी, हमारा जो प्रोडक्शन का स्केल है वो छोटा रह जाएगा, हमारे प्रोडक्ट अपेक्षाकृत महंगे रहेंगे, हम इनोवेशन पे खर्च नहीं कर पाएंगे,
पेटेंट्स हमारे यहाँ नहीं होंगे, हमारे यहाँ कोई आविष्कार नहीं होंगे। आज की तारीख में मैं अपने कमरे में देखूँ तो मैं इंडिया में इन्वेंट की हुई मैं निजी तौर पर एक भी चीज इस्तेमाल नहीं करता हूँ, और मुझे लगता है कि मेरे पड़ोसी भी नहीं करते होंगे और मेरे दोस्त भी नहीं करते होंगे, जिसका इन्वेंशन भारत में हुआ है ऐसी कोई चीज मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो ये कितना बड़ा डेफिसिट है कि भारत में 15 लाख इंजीनियर हर साल पैदा हो रहे हैं और हम कुछ भी इन्वेंट नहीं कर रहे हैं। ये फेसबुक, ये ट्विटर, ये फोन, ये लाइट, चश्मा, मतलब मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ इस समय जिसका इन्वेंशन भारत में हुआ है। तो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हमने हमारा इन्वेंशन क्या है। तो हम नॉलेज, पूरे दुनिया के नॉलेज में हमारा भी तो कुछ कंट्रीब्यूशन हो। 1/7 ऑफ ह्यूमैनिटी है हम, हर सातवां आदमी इस धरती का एक भारतीय है, तो हम कंट्रीब्यूट करें इस दुनिया का, मतलब एक अंधेरे कोने के तौर पर हमारी जो पहचान बनी है, चाहे हम खुद को कितना विश्व गुरु बना लें, दुनिया हमको एड देती है, मदद देती है। ज्यादातर देश से हम मदद लेते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, उनके NGO जाकर भारत में और भारत सरकार उनको इजाजत देती है कि वो मदद करें। मतलब ऑक्सीजन की कमी पड़ गई तो कम से कम 30-40 देशों ने अपने ऑक्सीजन प्लांट्स भेजे, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल ऑक्सीजन प्लांट्स के साथ तैयार नहीं थे। मतलब दुनिया के बाकी किसी देश में अगर आप इस बात को कहें कि हॉस्पिटल है लेकिन ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, ये मतलब रिडिकुलस माना जाएगा, लेकिन हमारे प्लांट तैयार नहीं थे। तो क्राइसिस का समय में हमको अचानक लगता है कि हम तो तैयार ही नहीं है। तो ये स्थिति मैं चाहता हूँ कि खत्म हो, भारत में, भारत दुनिया के सबसे विकसित देशों की लिस्ट में शामिल हो। कम से कम ह्यूमन डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन और जेंडर इक्विलिटी के मामले में हम यूरोप के आसपास पहुंचे, ये मेरी कामना है। जी, तो जितना मैंने आज आपको सुना और समझा उसका मैं अगर जूस निकालूं एक वाक्य में, दो वाक्यों में, भारत का समाज ऐतिहासिक रूप से जातियों में बटा रहा है, कास्ट सिस्टम उसकी एक तरह से परिभाषा रही है उसकी अपनी अच्छाइयां बुराइयों के साथ में, और आज उस सच्चाई को स्वीकार किए बगैर एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग हो नहीं सकती है, और जाति को स्वीकार करना जातिवाद नहीं है बल्कि जातियों को समाप्त इवेंचुअली एक दिन करने की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। एम आई राइट? यस, मुझे लगता है कि आपने बहुत संक्षेप में लेकिन बहुत प्रिसाइज वर्ड्स के साथ मैं बेसिक जो मेरा थॉट प्रोसेस है उसको आपने सही रखा है। सहमति असहमति अपनी जगह है, बिल्कुल ही जरूरी नहीं है, और यही असल में डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि मैं आपसे सहमत नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं आपके साथ डायलॉग में हूँ और आपको मैं सहमत करने की कोशिश करूँ। मैं आप और ना हो पाए सहमत तो हम असहमतियों के साथ बहुत अच्छे दोस्तों की तरह, अच्छे पड़ोसियों की तरह, परिवार के सदस्यों की तरह रह सके। तो बेसिकली दोस्ती बनी रहे, आप ये कहना चाहते हैं? वैसा नहीं जैसा मोदी जी ने कहा था करण तापर। तो बड़ी खूबसूरत आपकी किताबें हैं और मैंने इसको पढ़ा, बहुत से प्रश्न आए, हमारा समय पूरा हो गया, हम आपको अगले महीने 2 महीनों में वापस निवेदन करेंगे, आप कृपया हमारे लिए समय निकालें। जाते जाते एक आखिरी सवाल, आप जब ट्वीट करते हैं तो इतने ट्रोल आपके पीछे बिल्कुल गब्बर सिंह की तरह घोड़े पे बैठकर दौड़ लगा देते हैं तुरंत, मतलब यहाँ ट्वीट हुआ नहीं कि वहां ट्रोल सेना आपके पीछे, आप परेशान नहीं होते? नहीं, असल में देखिए दो तरह के लोग हैं, जो एक तो जो ट्रोल से परेशान होते हैं उन लोगों की दो कैटेगरी है, एक तो वो कि जो सोशल मीडिया को नहीं समझते हैं वो ट्रोल से परेशान होते हैं, दूसरी कैटेगरी वो है जो रोने को एक ताकत के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि हाय मुझे गाली दे दी गई, हाय मुझे मारने की धमकी दे दी गई, ये टूल के तरह वो इस्तेमाल करते हैं और इससे गेन करते हैं। दो तरह के लोग हैं, पहले वाली जो कैटेगरी है जो सोशल मीडिया को नहीं, दूसरी वाली कैटेगरी तो बहुत मोटिवेटेड है तो उसको क्यों करती है उनको मालूम है, इस पर मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो इसको इस्तेमाल करते हैं, देखो मुझे गाली दे दी, उसको वो रिट्वीट करके बताते हैं कि आए देखो मैं कितना क्रांतिकारी काम कर रहा हूँ, महान काम कर रहा हूँ, और उसने मुझे गाली दे दी, मेरी माँ बंद कर दी। तो ये तो स्ट्रेटजिक है, ऐसे जो लोग कर रहे हैं वो चतुर लोग हैं, उसको तो मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन जो लोग असल में दुखी होते हैं इस वजह से, देखिए ट्रोल क्या करते हैं, ट्रोल अगर बॉट नहीं है वो रियल पर्सन है, कि भारत में अभी भी ज्यादातर लोग हैं वो रियल व्यक्ति है, एक आइडेंटिटी है, उसके 500, 700, 1000, 200, 100 फॉलोअर्स हैं। तो सोशल मीडिया का एल्गोरिथम क्या है कि आपने एक ट्वीट लिखा, आपके ट्वीट पर जिसने भी किसी भी तरह से रिस्पॉन्ड किया उस ट्वीट के उस व्यक्ति के फ्रेंड सर्किल में चले जाने के चांसेस बन जाते हैं। तो एक्चुअली जो ट्रोल करता है वो आपके ट्वीट दूसरे लोगों तक पहुंचाता है और
अपनी मेहनत से पहुंचाता है और आपसे पैसे भी नहीं लेता है। तो आप इस बात से खुश हो सकते हैं कि जैसे मेरे कई ट्वीट्स में देखता हूँ कि उसकी रीच में देखता हूँ, जब ट्विटर में आप रीच देख सकते हैं, तो वो 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 60 लाख लोगों तक जाता है। वो अगर ट्रोल नहीं होते, ट्रोल नहीं होते तो नहीं जा पाता। ये ट्रोल्स का योगदान है कि वो मेरे ट्वीट्स को वो विस्तार देते हैं। और एक स्टडी भी हुई है कि मोस्ट रीट्वीटेड जर्नलिस्ट के तौर पर एक डाटा कलेक्शन होने के बाद पता चला कि सबसे ज्यादा रिट्वीट जो जिन लोगों का होता है भारत में, उनमें अगर लोगों ने मुझे शामिल किया है और उसमें ज्यादातर ट्रोल वाले रिट्वीट और कमेंट्स होते हैं, तो मुझे तो उनका आभारी होना चाहिए। और मुझे अफसोस है कि मैं उनको उसके बदले में कुछ भी पैसे वगैरह नहीं दे पाता हूँ। बेचारे कितनी मेहनत करते हैं। मैं आमतौर पर जो ट्वीट या फेसबुक पर लिखता हूँ तो पहले 5 कमेंट ट्रोल्स के होते हैं, तो वो लगातार 24 घंटे नहीं तो कम से कम लगातार अपने जब वो एक्टिव रहते हैं तो कितना वो डेडिकेटेड लोग हैं, मतलब मेरे ट्वीट को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में वो कितने डेडिकेटेड तरीके से काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ट्रोल्स को मतलब मेरे मैं अपने उन मित्रों में मानता हूं जो मेरा काम कर रहे हैं और मेरे दुश्मन की तरह दिखते हैं। कहा तो किसी और महानुभाव ने था, लेकिन फिट आप पे बैठता है, आपदा में अवसर। मंडल जी, आपने इतना समय दिया, हमें इतनी सारी चीजें बताई जो हमें मालूम नहीं थी, और जैसा मैंने कहा ये काफी कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं, लेकिन समाज के ज्वलंत मुद्दे हैं, तो बात तो करनी होगी। हम आपको फिर बहुत जल्द लेकर आएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल हमारे रह गए। लेकिन एक वर्किंग डे को हमारे इतने निवेदन के बाद आपने समय निकाला और ऑफिस से आज किया, न कि आपके घर पे पूरा सेटअप है, फिर भी आपने यहां से किया। खुशी की बात है, गौरव की बात है कि आपने मुझे अपनी बात बोलने का मौका दिया और आप भी मेरी बात को विस्तार देंगे और लोगों तक जाएगा। मैं ट्रोल नहीं हूं सर, लेकिन मैं ट्रोल नहीं हूं सर, लेकिन बगैर ट्रोल किए आपने, क्योंकि आपकी एक जो एक निष्पक्ष कमेंटेटर के तौर पर आपकी जो प्रतिष्ठा है, तो इस तरह के मंच पर होना एक दूसरा मतलब है। जहां पर मेरी ही बात कोई बोल रहा हो वो फिर घेटो है, वो एको चैम्बर है जहां मेरी आवाज गूंजती है, मेरी ही आवाज मुझे सुनाई दे रही हो, वो एक अच्छे विमर्श का मंच नहीं हो सकता है। तो आपने मुझसे कठिन सवाल पूछे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप भाई, थैंक यू सो मच। थैंक्स प्यारे साथियों, ये थे प्रोफेसर दिलीप मंडल। कैसी लगी आपको आज की हमारी इंटरेक्शन? हमने उनसे बहुत सवाल पूछे, उनको बड़ा घेरने का प्रयास किया, लेकिन अपने तर्कों से वो हर चीज का जवाब देके साफ बच निकले। अब हम ट्रोल तो है नहीं जो उनको ट्रोल कर पाते, तो एक स्टेज के बाद हमको भी हार माननी पड़ गई, लेकिन अभी हमारे बहुत सारे सवाल बचे हैं और दिलीप भाई को हम इतनी आसानी से बच के जाने तो देंगे नहीं। बहुत जल्द उन्हें हम फिर से लेकर आएंगे, डिबेट्स में भी उनको लेकर आएंगे और बहुत सारी चीजों पर बातचीत इसी तरह जारी रहेगी। आप दिलीप भाई की लिखी हुई किताबों को खरीद के पढ़ सकते हैं, उनके बारे में सारी जानकारी और उनका ट्विटर हैंडल भी मैंने स्क्रीन पर दिखाया है, उनके साथ जरूर जुड़ें और आई ओपनर सीरीज को इसी तरह प्यार देते रहें। तो प्यारे साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।